हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग पोस्ट को, मतलब पोस्ट का जो कैटेगरी है वो कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और किस तरीक़े से, मतलब हम लोग जो मेनूज में है वो हम लोग वहाँ पे शो करवाएंगे, और उसको क्लिक करने के बाद वो जो डेटा आता है वो किस तरीक़े से होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ये यहाँ पे मेरा खुला हुआ है, ओपन है। तो अब क्रिएट कहाँ पे करना है वो मुझे देखना है, ओके। तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में, ये पोस्ट में जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन है ऑल पोस्ट ऐड न्यू कैटेगरीज करके, ओके। तो हम लोग किस में क्लिक करेंगे, कैटेगरीज में। तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज में क्लिक करते हैं। कैटेगरीज में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं ऐड न्यू कैटेगरी, ओके। ये स्लग, ये पेरेंट कैटेगरी, ये डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी, ओके। और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं ये जो वर्डप्रेस है जो वो बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज करके, मतलब कैटेगरी जो है वो बना के देता है, ठीक है। तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, जो अनकैटेगराइज है वो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको एडिट कीजिए, यहाँ से यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और उसका नाम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसको आप जैसे पेजेस में हम लोग क्या किए थे, सारा पेजेस को डिलीट कर दिए थे। लेकिन कैटेगरीज में क्या है कि आप जो अनकैटेगराइज जो दिया है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसको आप एडिट करके अपना नाम दे सकते हैं, लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कैटेगरी को हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक मैं ये डिजिटल मार्केटिंग का एक मैं कैटेगरीज ले रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग नेम में क्या देंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग। ये स्लग क्या है, स्लग आपका हो गया URL, ठीक है। जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्लग जो खुलेगा, जैसे आप यहां से स्लग में आप अपना खुद का स्लग दे सकते हैं, या फिर मतलब ये खुद का क्रिएट कर देता है स्लग, ठीक है। अगर हम लोग ब्लैंक यहां पे रखते हैं और यहां पे डिस्क्रिप्शन में हम लोग फिलहाल कुछ नहीं देते हैं, जस्ट एक हम लोग कैटेगरी को ऐड करते हैं, तो यहां पे ऐड न्यू कैटेगरी। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो मेरा है जो कैटेगरीज है वो मेरा क्रिएट हो गया, ओके। आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और आप ये देखिए यहाँ पे स्लग जो है वो मेरा क्रिएट हो गया डिजिटल मार्केटिंग करके, ठीक है। तो आप जो स्लग URL है उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, अपना खुद का स्लग URL डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा जो कैटेगरीज का नेम है उसी नेम से स्लग URL बना हुआ रहता है तो अच्छा होता है, उसको मतलब समझने में आसानी होती है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में काउंट करके है, ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और जो अनकैटेगराइज में है वो वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 0 का मतलब ये हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, उसके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है, इसीलिए वो 0 दिखा रहा है। लेकिन अनकैटेगराइज के अंदर पोस्ट है, कुछ ना कुछ है उसके अंदर, इसीलिए 1 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और ऐड न्यू कैटेगरीज जो है वो हम लोग एक और क्रिएट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ से, जैसे आपका हो गया वेब डिज़ाइनिंग का, ये यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे वेब डिज़ाइनिंग, ये स्लग URL को हम लोग ब्लैंक रख देना क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है पेरेंट कैटेगरी, अगर आपको चाइल्ड कैटेगरी रखना है तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिजिटल मार्केटिंग अनकैटेगराइज, ओके। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वेब डिज़ाइन रखना है तो यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट करके ऐड न्यू कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चाइल्ड कैटेगरी बन जाएगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो पेरेंट हो जाएगा, और उसके नीचे जो डिजिटल मार्केटिंग आएगा वो चाइल्ड कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जो है अभी चाइल्ड कैटेगरी में नहीं जाते हैं, सिर्फ पेरेंट कैटेगरी को ही देखते हैं। तो इसको जो है हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, नन ही रहेगा, और एक यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा दो क्रिएट कैटेगरी जो है वो मेरा क्रिएट हो गया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, आप तो यहाँ देख लिए कि किस तरीक़े से
मेरा कैटेगरी जो है वो क्रिएट होता है, स्लग यूआरएल जो है वो किस तरीका से मेरा बनता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑल पोस्ट में जाते हैं। ओके, ऑल पोस्ट में क्लिक करते हैं। ऑल पोस्ट में आप पिछले वीडियोस में हमने बनाया था ये वाला, मतलब पोस्ट के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग, आप यहाँ पे देखें कि कैटेगरी जो है वो अनकैटेगराइज के अंदर है, इसीलिए वहाँ पे वन दिख रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अनकैटेगराइज के बदले में हम लोग इसको जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रखेंगे। तो वो हम लोग किस तरीका से चेंज करेंगे, यहाँ देख, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, एडिट करने के बाद आपका कुछ इस तरह ओपन होगा। ओके, और आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में ये यहाँ पे ऑल कैटेगरीज दिख रहे हैं। ओके, मतलब कि ये अनकैटेगराइज है, डिजिटल मार्केटिंग है जो हमने क्रिएट किया, वेब डिजाइनिंग ये भी जो हमने क्रिएट किया, वो यहाँ पे तीनों दिख रहे हैं। ओके, तो जो ये टाइटल है ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ना टिक करके हम लोग रखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देंगे। जब अपडेट कर देंगे तो ये क्या होगा कि ये डिजिटल देखिए अनकैटेगराइज हट गया और ये डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। तो ये क्या होगा, जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक करेंगे तो ये वाला मतलब यही ओपन होगा। ओके, जब डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्लिक करते हैं तो ये वाला मेरा ओपन होगा। ठीक है, तो एक और हम लोग पोस्ट को क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग दिखाते हैं कि किस तरीका से वो होगा। ठीक है, ये तो मैंने मतलब पिछला वीडियोस में बनाया था और पोस्ट जो है, लेकिन इस वीडियोस में क्या करेंगे, एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं वेब डिजाइनिंग के बारे में। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, ये यहाँ इस तरीका से ओपन हो गया। अब यहाँ टाइटल डाल सकते हैं, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा टाइटल हो जाएगा, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया, और ये यहाँ से कुछ यहाँ तक ले लेते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, हम लोग पेस्ट कर देंगे। ओके, ये इतना सारा कंटेंट है, आप इसमें जितना मर्जी चाहे आप उतना कंटेंट डाल सकते हैं। और एक बात मैंने बोला था पिछले वीडियोस में, ये आप कंटेंट के बीच में भी मतलब इमेजेस जो है वो डाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल में लेते हैं, एड वीडियोस, एड मीडिया में हम लोग जैसे कि इसका बारे में लेते हैं, ये यहाँ हो गया, ये छोटा है, आप यहाँ से ड्रैग करके भी आप इसे बड़ा कर सकते हैं। ओके, ये हो गया, ये तो मतलब पेजेस के अंदर है। ओके, लेकिन जो मेन है वो यहाँ पे फीचर इमेज में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे अब देखें कि ये एक मेरा इमेज है, हम इसको लेते हैं, ये यहाँ पे सेट फीचर इमेज, तो आप यहाँ मेरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये वेब डिज़ाइनिंग के बारे में आप देखें कि ये स्लग वायरल जो है मेरा बन चुका है वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे। ओके, टिक करने से क्या होगा कि ये कैटेगरीज जो है वो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पब्लिश कर देंगे। तो ये मेरा बन चुका है, ठीक है, वेब डिजाइनिंग के अंदर ये मेरा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, लेकिन अगर मुझे क्या करना है, मेनूज में ऐड करना है कैटेगरीज को, तो वो किस तरीका से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग जाएंगे ये अपियरेंस के अंदर मेनूज में। ओके, मेनूज में आप यहाँ लेफ्ट साइड में ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरा चार मेनू बना हुआ जो वहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पोस्ट है, कस्टम लिंक्स है, कैटेगरीज है। ओके, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कैटेगरीज को यहाँ से ऐसे दोनों को यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऐड होगा। ओके, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा दोनों जो है वो ऐड हो गया। आप इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पोजीशन बदल सकते हैं कि कौन सा पहले होगा कौन सा लास्ट में होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सेव मेनू कर देंगे, ये मेरा सेव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेनूज में कि ये मेरा जो दो कैटेगरीज को मेनू में ऐड किया था वो यहाँ पे मेरा दिख रहा है। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लिक करते हैं, तो
तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये हेडिंग भी दिख रहा है, कैटेगरी क्या है, वेब डिजाइनिंग है, और ये जो है मतलब कंटेंट और टाइटल है वो यहाँ पे मेरा दिख रहा है, और ये जो इमेजेस है वो मेरा फीचर्ड इमेज दिख रहा है। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो ये मेरा क्या होगा, इनर पेजेस ओपन होगा। आप यहाँ देखें, ये मेरा जो है फीचर्ड इमेज है, और ये मेरा टाइटल हो गया, और ये जहाँ पोस्टेड दिखा रहा है कौन पोस्ट किया है और कब हुआ है। ओके, ये यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा था, और कंटेंट के बीच में जो मैंने इमेजेस डाला था वो है। अब यहाँ पे इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, ये वेब डिजाइनिंग का था। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक करेंगे तो ये आप देखें, ये डिजिटल मार्केटिंग का भी शो हो रहा है। ओके, फिर से यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सारा जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये दिख रहा है। तो आप इस वीडियोज में देख चुके हैं कि किस तरीका से हम लोग कैटेगरी को क्रिएट करके उसको जो है पोस्ट के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है, और उस कैटेगरीज को जो है मेनूज में कैसे दिखाएंगे। अब हम लोग देखेंगे इस तरह से हम लोग जो है सब कैटेगरी को क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे जो है मतलब जैसे वेब डिजाइनिंग हो गया, वो उसके सब कैटेगरी किस तरीका से मेरा वो ओपन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और हम लोग जो है कैटेगरीज को ऐड करते हैं। यहाँ पे होगा मेरा, इसी को हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे वेब डिजाइनिंग न्यू करके, ये तो अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, ये जस्ट मैंने एक ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है, ये एक पेरेंट कैटेगरी है, लेकिन अगर मुझे यहाँ वेब डिजाइनिंग के अंदर रखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा जो है वेब डिजाइनिंग, और ये नीचे में वेब डिजाइनिंग न्यू करके ये डैश बना हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वेब डिजाइनिंग पेरेंट हो गया, और जो डैश बना हुआ है वो पेरेंट का वो चाइल्ड हो गया ये वाला। अब हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से वेब डिजाइन के अंदर यहाँ पे ये वेब डिजाइन के अंदर सब मेनू दिखेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पेजेस में पोस्ट में जाके ये यहाँ पे एडिट करेंगे, एडिट में करने के बाद ये यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा अपडेट कर दिया मैंने, ये यहाँ पे मेरा अपडेट हो गया, मतलब कि ये मेन मतलब पेरेंट कैटेगरी में भी रहेगा और ये चाइल्ड कैटेगरी में भी रहेगा, ठीक है, यहाँ से मैंने अपडेट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाने के बाद मेनूज में जाएंगे यहाँ पे कैटेगरीज में, और इसको क्या करेंगे, इसको टिक करके यहाँ पे ऐड टू मेनू कर देंगे। तो ये तो जैसे मेरा ऐड हुआ, ये मेरा अभी फिलहाल जो है पेरेंट मेनू ही है, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, सब मेनू। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट इसको जो है इसको क्लिक करके इसको ड्रैग कर दीजिए ऐसे करके। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सब आइटम। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इसको ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये जस्ट मेरा पेरेंट कैटेगरी है, लेकिन अगर इसको हम लोग क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब आइटम बन गया, मतलब सब मेनू बन गया। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है, सॉरी, ये मुझे मतलब डिजिटल मार्केटिंग में ना होके ये यहाँ पे होगा। ओके, ये वेब डिजाइन में होगा। तो आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा एरो भी बन गया और उसके नीचे में सब मेनू भी बन गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज खुलेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी में भी मेरा टाइटल चेंज हो गया, ये जो न्यू करके हम लोग दिए थे, मतलब सब कैटेगरी सब मेनू, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वही सेम चीज ओपन होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग कैटेगरीज को ऐड किया, मेनूज में कैसे आया, और मेनूज के थ्रू जो है सब मेनू मतलब सब कैटेगरीज को किस तरीके से हम लोग वहाँ पे बनाए, और यहाँ पे हम लोग सब मेनू को भी दिखाएं, ठीक है। तो इस वीडियोज में इतना ही, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, और लाइक भी करें। थैंक यू।